दांत को सही तरीके से रखने के लिए उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मसूड़ा है, गम्स है, वो बहुत अच्छे से रहे और बहुत हेल्दी रहे। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप अपने मसूड़े को कैसे हेल्दी और स्वस्थ बना सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और मेरे जो वीडियोज है अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि जो आपके मसूड़े हैं उसको कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले कि जब भी आप कोई से भी मील्स ले रहे हैं, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मुंह को अच्छे से क्लीन करें खाना खाने के बाद। चाहे आप वो मीठा खा रहे हैं, चाहे आप कुछ मील्स ले रहे हैं, तो आपको खाना खाने के बाद आपको अच्छे से गार्गल कुल्ला करना है, रिंस करना है। अगर पॉसिबल है तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात में एक बार। फिर आपको अगर इस्तेमाल नहीं करना है माउथ वॉश तो आप नॉर्मली जब भी आप कुछ भी मील्स ले रहे हैं तो उसके बाद आपको अच्छे से कुल्ला करना है, मुंह को रिंस करना है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हर मील्स के बाद ब्रश ही करना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आपको अच्छे से फिंगर से करके आपको अच्छे से कुल्ला करना है, क्योंकि जो चीक्स के पार्ट का आपका मसूड़ा रहता है एंड स्पेशली लोअर, यहाँ पे जो चीक्स के पास पार्ट का जो रहता है, टंग के साइड का, जहाँ पे नीचे में टंग के साइड के जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वहाँ पे पॉकेट जैसा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि चीक्स मसल रहते हैं, आपके गाल का जो मसल है वो रहता है, और वहाँ पे जो पॉकेट क्रिएट होता है तो अच्छे से वहाँ पे जाके खाना डिपॉजिट हो जाता है। और फिर अगर आपने वो सही से ठीक नहीं किया, आपने सही से वो साफ नहीं किया, तो चांसेस रहता है कि वहां से फिर खाना चिपक करके दांत में चिपक जाता है और फिर कैविटी लगने स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो कैविटी की बात होगी, बट अगर सपोज आपको मसूड़ा अच्छे से रखना है तो वहां पे भी एरिया आपको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि अगर आपने मसूड़े सही से नहीं रखे तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहले तो आपका दांत खराब हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मसूड़ा सही से नहीं रहेगा तो मसूड़े में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और फिर दांत जो है वो एज से पहले लूज होने का चांसेस भी रहता है। फिर आपको वहाँ पे कैविटी होने के भी चांसेस रहती हैं। और तीसरा है कि आपके मुंह से स्मेल भी आ सकती है, क्योंकि खाना वहाँ पे जमा रहेगा, फर्मेंट होगा, तो मुंह से स्मेल डेफिनेटली आएगी। इसलिए आपको हमेशा मुंह जो है वो क्लीन रखना है, साफ रखना है। हर एक मील्स के बाद आपको अच्छे से रिंस करना है। फिर जब भी आप रात में सोते हैं तो रात में जब भी आप ब्रश करते हैं तो ये आप ब्रश में एक आप रूटीन बना लीजिए कि आपको जब भी आप ब्रश करते हैं तो आपको गम्स का मसाज करना ही करना है। अगर आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ एक गम के ब्रश आता है उससे भी आप पेस्ट लेकर के मसूड़े को राउंड मसूड़े के वहां पे आपको सर्कुलर मोशन में आपको स्लोली वहां पे चलाना है ब्रश को, एंड बाहर के साइड पे एंड अंदर के साइड पे, दोनों साइड पे आपको मसूड़े पे जेंटली जो ब्रश आता है गम के जेंटल आता है, आपको वहां पे सर्कुलर मोशन पे चलाना है ऑल ओवर योर गम्स, मतलब जहां पे भी आपके गम्स है, अंदर बाहर दोनों साइड से आपको ऊपर नीचे दोनों जॉज में आपको चलाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन जो मसाज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा वहां पे, एंड साथ में आपका जो मसूड़ा है वो उसकी ग्रिप जो है वो टाइट होगी और खाना फंसना कम होगा। अगर आपका खाना फंसना कम होता है तो डेफिनेटली आपको कैविटी नहीं लगेगी और मसूड़े में इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपने मसूड़े को सही से रख सकते हैं। और अगर आप मसाज करने के लिए आपको कुछ चाहिए, आपको ऐसा है कि आप सादा मसाज नहीं करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया या फिर मस्टर्ड ऑयल हो गया, आप 1-2 ड्रॉप्स ले सकते हैं, एंड साथ में आप उसमें बहुत पिंच जैसा, बहुत छोटा सा चुटकी जैसा आप उसमें सॉल्ट ले सकते हैं, और फिर उसको अच्छे से पेस्ट बना करके उसमें ब्रश को डिप करके एंड देन फिर आपको मसाज करना है। आइदर आप ब्रश से करिए, आपका कोलगेट गम के जेंटल ब्रश आता है आप उससे करिए, या नहीं तो फिर आप फिंगर से करिए। जब आप फिंगर से करते हैं तो आपको फिंगर भी बाहर और अंदर दोनों साइड की गम्स पे साइमल्टेनियसली सर्कुलर मोशन देना है, एंड
अगर किसी को ब्लड आता है माइल्ड, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो माइल्ड इश्यूज़ के लिए होती हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको इश्यू है मसूड़े के तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बट अगर आपके पास आपको बहुत माइल्ड इशू है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लोकलाइज्ड है, कहीं कहीं पे हो रहा है, जनरलाइज्ड नहीं है कि आपको पूरे जगह से होता है, क्योंकि बहुतों को सिर्फ केवल कभी एप्पल बाइट कर लिया तो कहीं से खून आ जाता है या फिर ब्रश कर लिया तो सबसे पहले तो आपको ब्रश के ऊपर ध्यान देना है कि आपका ब्रश कहीं हार्ड तो नहीं है। हार्ड ब्रश कभी नहीं करना चाहिए, आपको सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करना है। एंड मसूड़े के लिए, स्पेशली मसूड़े के लिए ब्रशेस आती हैं जो कि गम केयर ब्रशेस होती हैं, तो आप वो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये आप रूटीन में एवरी डे फॉलो करिए कि आपको गम्स का मसाज करना है। आप 15 डेज, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खाना बहुत ज्यादा फंसता है, या फिर आपको मसूड़े में आपको ऐसा लग रहा है कि मसूड़ा आपका वीक हो रहा है, ब्लड नहीं निकल रहा है, बट खुद को ही ऐसा लगता है कि मसूड़ा कमजोर जैसा हो रहा है, तो इन दैट केस फिर आपको एवरीडे 3 टाइम्स आपको मसाज करना ही करना है। आप ये रूटीन बना लीजिए अगर आपको मसूड़े को स्वस्थ रखना है। और बाकी अगर जिनका हेल्दी मसूड़ा है वो एक बार भी कर सकते हैं, और रात के टाइम पे अगर वो करें ब्रश करने के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले ब्रश कर लें, उसके बाद मसाज करें, और उसके बाद फिर अच्छे से रिंस कर लें। और जिनका बहुत ही मतलब जिनका मसूड़े सही है और सिर्फ हेल्दी रखना है तो उनको आपको जो मसूड़े का मसाज है वो वीक में, एक सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार तो करना ही है। आप 3 बार अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात। मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको आज का कैसा लगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे कंसल्टेशन कराना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, फ्री नहीं है कंसल्टेशन। एंड अगर आपको कमेंट के थ्रू पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, वहां पे आपका कंसल्टेशन चार्जेस नहीं लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।